वर्ल्ड कप 2019 का लीग स्टेज खत्म हो चुका है और दोनों सेमीफाइनल्स मुकाबले तय हो चुके हैं। अपना आखिरी लीग मैच जीतकर टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर रही और पहले सेमीफाइनल में उसका मुकाबला चौथे नंबर पर रही न्यूजीलैंड से होगा और वहीं पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रही टीम ऑस्ट्रेलिया का सामना दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड से होगा। इस वर्ल्ड कप में कई खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट फैंस का दिल जीता और वर्ल्ड कप में कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। क्रिकेट रिकॉर्ड्स की इस खास वीडियो में आज हम आपको तीन ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनका इस वर्ल्ड कप में टूटना लगभग तय हो चुका है। रिकॉर्ड नंबर एक, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड जो सचिन तेंदुलकर के नाम है। जब भी क्रिकेट रिकॉर्ड्स की बात की जाती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम जरूर लिया जाता है। 2003 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल में पहुंचाने में सचिन ने अहम भूमिका निभाई थी। सचिन ने 2003 में 673 रन बनाए थे जो एक वर्ल्ड कप में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में सचिन का ये रिकॉर्ड टूटना लगभग संभव लग रहा है क्योंकि टीम इंडिया के रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जहां रोहित शर्मा ने 8 मैचों में 647 रन बनाए हैं तो वहीं डेविड वार्नर भी 9 मैचों में 638 रन बना चुके हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के पास सेमीफाइनल मुकाबले में इस रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरी मौका है। रिकॉर्ड नंबर दो, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रैथ के नाम दर्ज है। इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के राज करने की पूरी उम्मीद थी क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंग्लैंड की पिचें बल्लेबाजों के लिए मददगार थीं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसे गेंदबाज भी मौजूद हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर बल्लेबाजों को परेशान किया। मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को लीड किया है और उन्होंने लगभग हर मैच में विकेट चटकाए हैं। जब साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना उस समय भी इस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे और मैन ऑफ द सीरीज बने थे। ग्लेन मैकग्रैथ के नाम एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 26 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है और अब इस वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क ने 26 विकेट हासिल कर मैकग्रैथ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नॉकआउट स्टेज में स्टार्क के पास मैकग्रैथ के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का पूरा मौका होगा। रिकॉर्ड नंबर तीन, वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जो सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। कुमार संगकारा ने 2015 के वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और लगातार 4 शतक लगाए थे लेकिन वह वर्ल्ड कप इतिहास में सचिन द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा 6 शतकों के रिकॉर्ड से पीछे रह गए थे। वर्ल्ड कप 2019 में आने से पहले रोहित शर्मा के नाम सिर्फ एक वर्ल्ड कप शतक था लेकिन दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाकर रोहित ने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोहित जिस तरह की फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए इस बात की कोई हैरानी नहीं होगी कि वह नॉकआउट में खुद जिम्मेदारी लेते हुए टीम के लिए एक और बेहतरीन शतक लगाएं और टीम को फाइनल में पहुंचाने की कोशिश करें। रोहित यदि शतक लगाते हैं तो वह न सिर्फ भारत को वर्ल्ड कप जीतने में मदद करेंगे बल्कि खुद वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे। क्रिकेट रिकॉर्ड्स की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।